नंदालय में
गुरु सभासु भोजने माधवे ननत दृष्टि कथनचित भिक्षमाण। आपने माधव को नत दृष्टि होकर के अपने दृष्टि को नीचा करके भिक्षमाण देखते हुए श्री कृष्णेन कथनचित प्रष्ट सृष्टया नत दृष्टि स्याजता भिक्षमाण। और श्री कृष्ण का कटाक्ष युक्त बदन देख करके मदेन हर्षेण प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत उत्सुक हो गया है। वह मुखमंडल को मैं कब देख करके आनंदित होऊंगी। प्रियालाल एक दूसरे को देख करके जो आनंदित होते हैं वही मंजरी और सखियों का सर्वस्व है, सब कुछ उसी सुख के लिए ये मंजरियां जीवित रहती हैं कि प्रियालाल एक दूसरे को देखें और देख करके आनंदित हो। गुरुजनों की सभा में माधव प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं, प्रिया जी के शोभा को निहार रहे हैं। अश्वामिनी रोहिणी माँ के साथ में हाथ में दे करके परिवेशन कार्य कर रहे हैं और बलदेव चंद्र हैं किसी तरह श्याम सुंदर ने उनके दर्शन कर लिए हैं। स्वच्छंद दर्शन यहाँ नहीं हो सकते हैं क्योंकि गुरुजन लोग हैं, रोहिणी हैं, यशोदा जी हैं, नंद बाबा हैं, दाऊ दादा हैं, तो उन लोगों के सामने प्रियालाल एक दूसरे को नहीं देख सकते। देखना भी है तो चोरी से देखेंगे, किंतु उस थोड़े से दर्शन से श्याम मुनि के चेहरे पर उत्कंठा के मारे भाव अनुभव कर थोड़ा सा दर्शन हुआ है। प्यारे श्याम सुंदर भी थोड़ा सा किशोरी जी का दर्शन किए और किशोरी जी भी श्याम सुंदर दोनों को दर्शन करने से जो आह्लाद उत्पन्न हुआ है एक दूसरे को, उसको देख करके मंजरियां प्रसन्न हो गई। राधिकार हस्त स्पर्शे सर्वानव्यंजन। किशोरी जी के स्पर्श करने मात्र से ही व्यंजनों में रस का संचार होता है। श्याम सुंदर जब उसको खाते हैं तो एक एक ग्रास में रस का संचार, रस का अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं। स्वादु पाया निज नेत्र भृंग पठाई है, अराई मुख चंद्र मधु पिए दृष्ट रहे। दोनों तरह से प्यारे श्याम सुंदर रस का संचार हो रहा है। एक तो जीभ से प्रिया जी का स्पर्श किया हुआ भोजन को पा रहे हैं और अपने नेत्रों के द्वारा प्रिया जी की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। दोनों तरह से रस का संचार हो रहा है। तो पिए हृष्ट रही है, प्रसन्न होकर के पी रहे। राधा रानी का नेत्र का संचार कैसा है तो कहते हैं राधिका नीच नेत्र कटाक्ष प्रणाम। प्रिया जी दर्शन करती हैं और प्रिया जी दर्शन करके कृष्ण लावण्यामृत का पान कर रहे हैं। नेत्र से श्याम सुंदर के रूप माधुरी का स्वादन कर रही हैं। कृष्ण मुख मधुरिमा देखी सुवदन। कृष्ण मुख के आनंद को पान कर रही हैं प्रिया जी। हरि से व्याकुल चित्ते किछु ही न जाए। देखिए प्रियालाल थोड़ा सा एक बार एक दूसरे को देखते हैं तो देखने में जो उनको जो आनंद मिलता है वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी वो ऐसा सुख का अनुभव कोई नहीं कर सकता। थोड़ा सा सुख स्वामी श्याम के थोड़े से दर्शन पा करके इतनी उत्कंठित हो गई हैं और सखी मंजरियां महा उस रस का स्वादन कर रहे हैं। हर्षेण उत्सुक आनंद पूर्ण उत्कंठा की छाप लगी है।
स्वामी के मुखमंडल को देख करके सखी मंजरियाँ प्रसन्न हो रही हैं, प्रिया जय उत्फुल्ल नेत्र होकर के दर्शन है। यह आस्वादन आनुगत्यमय सेवा में ही प्राप्त होता है। उस दृश्य को देख करके ललिता विशाखा तुम विद्या चंपकुलता रंग देवी सुदेवी जो अष्ट महासखियाँ हैं प्रसन्न हो रही है, और उनकी जो अनुगा मंजरियाँ हैं वे प्रसन्न हो रही हैं। देखिए यह प्रसन्नता कैसे कैसे चल रहा है, और उनके उनके शिष्य मंजरी के मंजरी गुरु रूपा मंजरी ऐसे ऐसे करके आज साधक वृंदावन में बैठ करके उस रस का जब आस्वादन करता है तो वह आनंद यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि आनुगत्यमय सेवा है। जो रस ललिता जी को प्राप्त हो रहा है वो यहाँ वृंदावन में आज जो साधक बैठ करके उस रस का स्वादन करता है तो उसको भी वही सुख प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये परंपरा से आ रहा है। साधक भक्त अपने गुरु रूपा मंजरी का ध्यान करता है, वो उनके गुरु ऐसे कह करके रूप गोस्वामी के पास चले जाते हैं, रूप मंजरी के पास। रूप मंजरी ललिता जी के अनुगत्य में, और वहाँ प्रियालाल का दोनों का जो कटाक्ष संचार हो रहा है तो वो रस साधक वृंदावन में बैठ करके उस आनंद का अनुभव कर रहे थे। आचार चरण के अनुगत्य से साधक अपनी स्मृति में स्वामी का पदन मंडल का माधुर्य स्वागत करे। देखिए कितना सुंदर प्रणाली है, जिस रस को ललिता जी प्राप्त करती हैं उसी रस को साधक वृंदावन में बैठ करके अनुगत्यमय सेवा करके प्राप्त कर लेते हैं। मैं स्मरण कर रहा हूं यह आज नहीं रहता, ध्यान में विराम में ध्येय वस्तु का साक्षात्कार के लिए व्याकुल उत्पन्न हो जाता है। देखिए इसीलिए इस सेवा को सर्वोत्कृष्ट सेवा माना, खास करके जो ये आराधना है ये अनुगत्य में अनुगा होकर की सेवा किया जाता है। साधक स्वप्न में भी उसे उसका अनुभव करता है, यहाँ पर बैठ करके भगवान का नाम लेता है और स्मरण करता है प्रिया जी के दिव्य लीलाओं का, रोज प्रतिदिन की लीला गोविंद लीला मृत में या विलाप पुष्पांजलि में राधा रसोधारिणी में जो ये मंजरी भाव की साधना आचार्यों ने दिया है वो आज भी साधक बैठ करके इन लीलाओं का स्मरण करता है तो स्मरण करके वह रस का संचार बैठता है। आज यदि नहीं मिलता है तो उत्कंठा में विरह करता है। देखिए रघुनाथ गोस्वामी शोकाकुल होकर के राधा कुंड के तट पर के क्रंदन कर रहे हैं उस रस के लिए, आ इतना गाढ़ चिंतन है कि वह लीला तुरंत स्मरण होता है, स्मरण नहीं होता प्रकट हो जाता है। जैसे हम लोग सपना देखते हैं रात्रि में तो यह नहीं लगता है कि सपना देख रहे हैं, लगता है कि प्रत्यक्ष लीला चल रही है, और जब सपना टूटता है तो लगता है तो सपना था। वैसे ही गाढ़ चिंतन करते करते वो साक्षात लीला प्रकट हो जाता है, असाधक सेवा करना चालू कर देता है। लेकिन जब स्मृति विराम लेती है तो साधक तड़पने लगता है, रोने लगता है, उस लीला को आंखों से निहार कर देख रहा, आंखें बंद कर ध्यान का आस्वादन करता है। बिल्लो मंगल ठाकुर यहाँ बैठ करके भगवान का चिंतन करते करते साक्षात लीला प्रकट हो जाती है, और जो अपने कलम से लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण की माधुरी के रूप का तो माधुरी इतना विलक्षण हो जाता है कि उस माधुरी उस श्लोक उस भाव को सुनने के लिए भगवान प्रकट हो जाते, और भगवान कहते हैं अरे बिल्लो मंगल तुम उस रस का गान करो, ये हमारा कृष्ण कर्णामृत, कर्णामृत माने कर्ण का अमृत। ऐसे महापुरुष लोग जो गाते हैं तो गाने को सुन करके प्रकट, कैसा रूप है देखिए श्लोक में वर्णन करते हैं, मौलिश चंद्रक भूषण मरकतस्ता विरामं बहु। भगवान का रूप कैसा है तो कहते हैं मौलिश चंद्रक भूषण, सिर पर ठाकुर जी मयूर पुच्छ धारण किए हुए, श्रीअंग मरकत मणि के समान चमक रहे,
नयन भगवान श्री कृष्ण के उत्फल कमल के समान मंद मंद मुस्कुरा रहे, नेत्र भाव विलास से संचारित हो रहा है। उनका कैशोर वयस, श्री कृष्ण की गति विन्यास, चलते चलते एक साधक भगवान श्री कृष्ण के चाल पर, नेत्र पर, मधुर मुस्कान पर, उनके मयूर मयूर पर, ये सब देख करके मुग्ध हो जाता है। बैठा है यहाँ, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण करते हुए तो ठाकुर जी तो सपना नहीं है, ठाकुर जी तो सत्य है। तो सत्य वस्तु का जब चिंतन किया जाता है तो सत्य वस्तु प्रकट हो जाता है। संसार तो झूठा है, लेकिन भगवान तो सत्य है। भजन के प्रभाव से अवश्य स्वामी जी हमें दर्शन देंगे, इस लीला का स्मरण कराएंगे। यदि कोई साधक यहाँ बैठ करके प्रिया जी की उन लीलाओं का स्मरण करता है, तुम्हारा जो स्मरण करते करते प्रिया जी भक्त वांछा कल्प तरु है, लता है, प्रिया जी का शरीर ही अपने भक्तों को सुख देने के लिए। तो भक्त जब इस प्रकार चिंतन करता है तो किशोरी जी प्रकट हो जाते, प्रकट होकर के अपना स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, मंजो स्वभाव मधिकल्प लता निकुंज। देखिए, हाँ, वृंदावन में बैठे हैं और प्रिया जी के रूप माधुरी का चिंतन कर रहे हैं। व्यंजन तमद्भुत कृपा रस पुंज भेव, प्रेमामृताम बुद्धि मगाधम बाधमेतम, राधा विधम द्रुतमुपाश्रय साधु चेत। आचार्य चरण कहते हैं, साधु चेत, हे महात्मा लोग, हे संत लोग, साधु लोग, साधु चेत का अर्थ होता है जिसकी चित्त हमेशा साधुता में लगा। साधुता कहते हैं, साधु का मतलब है जो सतत सावधान है, एक क्षण भी अपने चित्त को इधर उधर न पाए। तैल धारा वक्त भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं में स्मरण करता है, उसको कहते हैं साधु। तो आचार्य चरण कहते हैं, हे साधु चेत, मंजुष स्वभाव मधिकल्प लता विकुंज। प्रिया जी का रूप कैसा है तो अति मनोहर स्वभाव, कल्प लता निकुंज स्वरूप। वृंदावन के किसी कुंज में प्रियालाल का नृत्य विहार चल रहा है। अद्भुत कृपा रस कुंज में वो व्यजनता, अद्भुत कृपा रस कुंज की प्रकाश हो रहा है, दिव्य ज्योति निकल रहा है। इसलिए तुम उस रस का अबाध मेतम राधा विधम, जो अबाध गति से राधा, राधा का अर्थ होता है सेवा, राधा रानी का अर्थ होता है जो सतत सेवा करती रहती है। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं चुपचाप बैठे नहीं रहते, बड़ों का स्वभाव होता है कुछ ना कुछ करते हैं। श्री कृष्ण एक सेकंड के लिए बैठते नहीं, काम करते रहते। भगवान राम काम करते, राधा रानी भी बैठती नहीं। राधा रानी आप लोग अष्टजाम सेवा में देखेंगे, कभी भी सोती नहीं, तो दो घंटा अधिकतर सोती है, फिर सेवा में। राधा जी के रूप मानो प्यास कहीं होंगे, हमेशा सेवा करने के लिए जो तड़पे उसी का नाम राधा, राधा रानी यही। संस्कृत साहित्य में राधा का अर्थ भी होता है राध साध संसिद्धो, धातु से राधा शब्द बना है। राध का अर्थ होता है जो साधना में लगा है, प्यारे श्याम सुंदर की सेवा में जो लगी है, लगा है, उसका नाम है राध। किशोरी जी का यही रूप, लक्ष्मी जी हो या सरस्वती हो या सीता जी हो, ये सब देवियां चुपचाप बैठी नहीं रहती, आप लोग देखेंगे हमेशा। अब सीता जी को देखिए, हमेशा ठाकुर जी के लिए रसोई बनाती, राम जी के लिए रसोई बनाती, प्रभु की टहल निज करत आए, स्वयं
प्रिया जी अपने हाथ से सीता जी भगवान राम के लिए राज भोजन बनाती हैं। अब देखिए भगवान राम है, उनके घर में तो नौकर चाकर की कमी नहीं, राजा धीराज है, त्रिलोकों के मालिक हैं दशरथ जी, और दशरथ जी के लड़के राम, राम की पत्नी सीता उनके उत्तरानी है, वो भी नौकर, दो चार नौकर तो रख ही सकती हैं, लेकिन कभी नहीं रखी। निज कर गृह परिचर्या कर, रामचरितमानस में लिखा गया है सीता जी अपने हाथ से सुबह उठ करके झाड़ लगाती, पोछा लगाती। मैं देखा मिथिला में एक स्त्री को, वृद्धा माता जी थी, बहुत बड़े घर की थी, नौकर चाकर थे वो, लेकिन वो सुबह उठ करके अपने हाथ से पोछा लगाती, भगवान का पार्षद होती, ठाकुर जी का श्रृंगार करती, और नौकर आते तो देखते सब सेवा तो हो गया है, वो तो 3 बजे भोर में उठकर अपना सब सेवा कर लेते। तो नौकर नौकरानी जो आती वो कहती कि आप ही कर लेंगे तो हमको क्यों रखी, हम जा रहे हैं, तो कहते ना ना तुम्हें हर, वो जब आती तो उसको चाय बनाकर पिला देती। तो उसी तरह किशोरी जी की हजारों नौकरानियां हैं, दासियां हैं, लेकिन भगवान राम की सीता जी अपने हाथ से निज कर गृह परिचर्या कर ही रामचंद्र आयुष अनुसर। अब पत्नी है भोजन बना, नौकरानी से भोजन बना करके अपने पति को खिलाती है, तो ये समझ जाना कि अपने पति को मारना चाहती, नष्ट करना चाहती। किशोरी जी स्वयं अपने हाथ से बनाती खिलाती, और खास करके जो भक्त हैं यही काम करते हैं, सेवा स्वयं करते हैं, भगवान की सेवा स्वयं स्वतः किया जाता है, ये भक्ति का स्वरूप भी है। भक्तमाल में लिखा गया है प्रभु की टहल निज करनी करत आए, अपने हाथ से टहल सेवा करना, भक्ति के प्रताप जाने भागवत गाय। भक्ति माने लोग सुनते हैं कि चुपचाप बैठे रहना, एकदम मालिक जैसा बैठे रहना, महाराज मुंडलेश्वर कहलाते रहना, इसको भक्ति, भक्ति नहीं होती, ज्ञान मार्ग में भले चला जाए। श्री गौरांग महाप्रभु अपने हाथ से झाड़ू लगाते, कभी कभी झगड़ा हो जाता था, गुंडीचा मार्दन में कंपटीशन हुआ कि कौन अधिक सेवा करेगा, झाड़ू लगाना तो किसका कूड़ा कचरा अधिक हो, कंपटीशन। सब भक्त लोग अपने अपने हाथ में झाड़ू लेकर पानी लेकर के गुंडीचा का मार्दन करने, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कूड़ा कचरा था ना वो सबसे अधिक इकट्ठा किया। तो भगवान का स्वभाव ही सेवा करना, एक महात्मा कहते थे सेवा करना भगवान का काम और सेवा लेना राक्षस का काम। तो सतत सेवा, ये भगवान भी जगत में आते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो मैं सेवा न करूं, मैं कर्म न करूं तो हमारा अनुगमन करके सब लोग नरक चले। तो भगवान खुद सेवा करते, देखिए भगवान श्री कृष्ण कभी चुपचाप नहीं बैठते, छोटा थे तभी कहे मैया से कि मैया हम क्या काम करें, तो कही मैया कि देखो ग्वाला का घर में जन्म लिया हो, गाय चराना तो काम है, लेकिन अभी तुम्हारा अवस्था छोटा है। तो भगवान कहे कि गैया तो जंगल में चरने के लिए चली जाती है और बछड़े कहाँ चढ़ते हैं, बछड़े तो हमसे बंधे रहते हैं, हम बछड़ा ही चढ़ते। तो भगवान जब छोटे थे तभी से बछड़े, तो ये भगवान का स्वभाव है हमेशा सतत सेवा। तो प्रिया जी का रूप का वर्णन देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, प्रिया जी कैसी सेवा करती है। प्रिया जी के पास कोई सेवा नहीं रहता है तो वृंदावन जब भ्रमण करती हैं तो वृक्षों में जो धूल लग गया है तो उसको झाड़ती रहती। राधा करा वचित पल्लव वल्लरी की है ना, राधा के कर से पल्लव और वल्लरियों की सेवा करती, साफ करती रहती है, पानी देती रहती है, सेवा है, सेवा भाव। प्रेमामृतं बुद्धिमगाधम बाधमेतं
राधाभिधं द्रुतमुपासय साधुचेत। अरे सज्जनों साधु, यदि उस राधा रानी को प्राप्त करोगे तो तुम उपासय साधु, यदि तुझे उपासना करना है तो राधा रानी का उपासना करो, किशोरी जी का उपासना करो। अर्थात राधा नाम का परम वस्तु इस वृंदावन में है, उसकी आराधना। देखिए खास करके हमारे संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में, खैर सभी संप्रदाय में प्रिया जी की सेवा, श्री संप्रदाय में भी सीता जी की सेवा, निम्बार्क संप्रदाय में भी किशोरी जी की सेवा, वल्लभ कुंडियों में सब जगह किशोरी जी की सेवा। किशोरी जी माने आचार्य, भगवान की सेवा कैसे किया जाता है ये किशोरी जी के माध्यम से ही पता चलता है। तो यहाँ पर उन्हीं की प्राप्ति, उनकी प्राप्ति के लिए ही भजन साधन, हम भजन साधन कर रहे हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य है प्रिया जी कुशल, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भजन करना, जप करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, लीलाओं का चिंतन करना। वैष्णव का हृदय सर्वदा ही राधा रानी के लिए रोएगा हमेशा। हेम गौरी तनुराई आंखी दर्शन चाय रोदन करीब अभिलाष, प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कब मैं प्रिया जी की प्राप्ति के लिए हमेशा रोता रहूं, भाई चाह नहीं होगी तो आंख में आंसू नहीं गिरे, चाह रहेगी तभी तो आंसू गिरेगी। तो कहते हैं रोदन करीब अभिलाष, हे प्रिया जी, हे प्रिया जी, हे राधा 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 हमेशा कहते रहे, इसके अतिरिक्त और कोई चाह। संसार के जितने भी ऋषि मुनि महर्षि इत्यादि हैं, वे लोग अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, दुख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन जो रसिक महापुरुष हैं वे लोग केवल प्रिया जी की, तत् सुखे सुखित्व, प्रिया जी के सुख के लिए उनका खाना चलना है। यहाँ तक कि एक हिमालय का सिद्ध संत आया था वृंदावन में एक बार स्वामी हरिदास जी के पास, सिद्ध संत। तो वृंदावन में स्वामी जी को निधिवन में उनको डरवाने के लिए कभी भूत बन जाता है, कभी प्रेत बन जाता है, कभी सांप बन जाता है, कभी बाघ बन जाता है, कभी सुअर बन जाता है, कभी गधा, कभी कुकुर बन जाता है। स्वामी जी देख कर के रोते रहते हैं, हजारों वर्ष तक साधना करके इसने यही प्राप्त किया है, अरे बनना ही है, इतना बड़ा सिद्धि प्राप्त कर लिया था कि वो कुछ भी बन, देवता भी बन सकता, ब्राह्मण बन सकता, महात्मा बन सकता, लेकिन सिद्धि करने वाला नीचे ही, मतलब कुत्ता बन रहा है, सुअर बन रहा है, सांप बन रहा है, उनको स्वामी जी को हंसी आती। यदि तुझको सिद्धि प्राप्त कर लिया है देह परिवर्तन की तो अच्छा, शरीर प्राप्त देवता बन जाता तो मैं प्रणाम भी करता, कुत्ता बन रहा था तो दूर कर रहा हूँ। तो एक दिन स्वामी जी चना लेकर के मोर को खिला रहे थे, तो वो ऋषि सिद्ध ऋषि ने आया और आकर के मोर बन गया। तो स्वामी जी को हंसा कि वो वही है मोर बन गया। तो स्वामी जी कहे कि एक कोई देखो, एक कोई विलक्षण मोर, तो सिद्ध था ही, वो समझ गया कि रे तो बड़े पक्के सिद्ध हैं, हमको पहचान गए, तो उनके चरण पर गिर गया कि आप एक बार हमको मोर कह दिए तो आप हमें मोर कह दिए, मेरा मोर, एक बार आपने मोर कहा है तो आपको हमें अपनाना पड़ेगा। तब स्वामी जी उसको अपना चेला बनाए, पर्वत नाम का ऋषि था, उसको अपना चेला बनाए और चेला बना करके उसको मंत्र का उपदेश दिया। और उन्होंने कहा हरि के नाम को आलस करत कत, उन्होंने बताया कि अरे अब बहुत प्रकार के सिद्धि प्राप्त करके तुझको क्या मिला है, क्या मिलेगा, अरे हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर सांधे, तुम्हारे सिर पर काल 24 घंटा मरड़ा रहा है, आ तो भूत प्रेत सांप बिच्छू बन करके समाज को डरवा रहा है, तुझको यह पता नहीं तुम्हारे सिर पर काल नाच रहा है। हरि के नाम को आलस करत कत, हरि के नाम में तुम आलस कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे, और संसार काम के लिए बड़ा भारी पंडित बना हुआ, जो कहे वो कर दी,
काल फिरत सर सामने, काल सिर पर नाच रहा है। एक महात्मा कहते थे कि हम लोग चल रहे हैं, हमारा जो सांस निकला है फिर आएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, इसलिए एक भी सांस को बिना नाम के बिना मत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी का नाम सत्य नीति है। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत नित कान। ये काल कैसे है, ये कुछ नहीं देखता है, संध्या है रात है सोया हुआ है, चौबीसों घंटा कंधे पर बैठा रहता है काल। उसको उपदेश दिए, बेर कुबेर कछु नहीं जाने, चढ़ो रहत निध कांधे। अरे हीरा बहुत जवाहर समझे, कहां भय हस्ती दर बांधे। स्वामी जी उपदेश उस सिद्ध को कर रहे हैं, कितना बड़ा तपस्या करके ऐसा सिद्धि प्राप्त किया होगा, लेकिन वो किस काल, किसी काम का तो नहीं। अरे बहुत बड़ा परिश्रम करके बहुत बड़ा मकान बना लिया, बड़ा भारी जस प्राप्त कर लिया, तो इसी भला क्या तुझको मिलने वाला है, कुछ होगा नहीं। पहले के जमाने में आज जैसे मोटर कार गाड़ी बस रखते हैं, वैसे पहले का पहचान होता था अपने दरवाजा पर हाथी घोड़ा बैल गाय, ये रखने वालों को बड़ा माना जाता था। तो कहते हैं कि तूने बहुत हीरा जवाहरात कमाया, अपने घर में हाथी बांध लिया, इसे भला क्या मिलेगा। कहे श्री हरिदास महल में बलिता बली ठाड़ी, अरे तुम्हारी स्त्री घर में है लेकिन एको न चलत, जब आवत अंत की आंधी, जब काल की आंधी आएगी तो तुझको कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए एक एक क्षण बेकार बिताना, आचार्य लोग कहते हैं धनानि भूमौ कसवस्य गोष्ठे भाजा गृहे द्वार जनय श्मशाने देहिस्ततायां परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीवैक। ये सारा संसार जो दिख रहा है केवल प्रपंच दिखने के लिए, कुछ हमारे काम का कोई नहीं, इस संसार में कोई वस्तु हमारे लायक नहीं, हमारे लायक यदि कुछ है तो ठाकुर जी का नाम। बस नाम के अतिरिक्त जितना कुछ प्रपंच दिख रहा है सब हमारा विरोधी है और प्रपंच है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं तो केवल ठाकुर जी के नाम में, उनके रूप में, उनके लीला में, उनके धाम में पड़े। ये चार चीज नित्य है, नाम रूप लीला और धाम। तो इसी को कह रहे हैं स्वामी हरिदास, कह रहे हैं कि तुम क्यों ऐसा सिद्धि दिखा रहा है, सिद्धि से तो मिलने वाला है।